नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आपको बताऊं कि पिछले 3-4 साल से सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैं माँ को प्रणाम करने का करता हूँ और माँ के मैं पैर पे अपना सिर लगाता हूँ। पहले कैसे करता था, पहले हाथ से पैर छूता था, पहले तो मैं करता ही नहीं था, जब मैं छोटा था तो करता ही नहीं था। माँ को एकदम फॉर ग्रांटेड है ना, माँ तो सेवा करने के लिए है। धीरे धीरे अकल आई, समझ में आया, फिर माँ को प्रणाम करना शुरू किया। फिर मुझे लगा हाथ से प्रणाम करने में मन भरता नहीं है, तो फिर मैंने सर को माँ के चरणों पर रखना शुरू किया। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया, मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हुए। क्योंकि जब आपके दिल से आशीर्वाद निकलता है, उसमें जो शक्ति होती है वो ऐसी शक्ति है, ब्रह्मांड उसी शक्ति से चल रहा है। हम जो भगवान बोलते हैं वो भी एक शक्ति है। ये दुनिया में सारे काम शक्ति से हो रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी शक्ति है। तो जो लोग ऐसा नहीं करते वो उतनी बड़ी शक्ति का साथ नहीं उनको मिल पाता, इसलिए वो बहुत, उनको मैं बोलता हूँ कि बदकिस्मत लोग हैं जो अपनी माँ को प्रणाम नहीं करते। क्योंकि सुख तो आपके घर पे ही, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जिस जीवन के लिए, जिस समृद्धता के लिए, जिस जो आप अच्छा जीवन चाहते हो उसके लिए नौकरी कर रहे हो, भटक रहे हो, वो आपको करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ माँ को प्रणाम करो, बस बाकी सब अपने आप हो जाता है। तो माँ को मैं बहुत सारी बातें सिखाता रहता हूँ, बहुत सारी बातें उनको बताता रहता हूँ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो बहुत सारी बातें उनको बतानी पड़ती है। जैसे मैंने पिछले दिनों उनको गायत्री मंत्र के बारे में बताया कि गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है। अगर हम रोज सुबह उठ के सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का पाठ करें तो हमारे शरीर में अपनी आप शक्ति आती है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। सूर्य में जितनी शक्ति है, वो शक्ति का आप जब आप उसको अपने मन में रखते हो तो आप भी उतने शक्तिशाली बन जाते हो। आपका मन उतना शक्तिशाली बन जाता है, और जितना मन आपका शक्तिशाली बनता है शरीर भी उतना मजबूत बन जाता है। शरीर तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो वो जो गायत्री मंत्र है, अभी हम लोग पढ़ते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ लोगों को पता नहीं है। तो सिर्फ मंत्र बोलने से वो बात नहीं बनती, उसका अर्थ भी आना चाहिए। तो आप लोगों में से कितने लोग को गायत्री मंत्र के बारे में पता है, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को पता है? बस बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उनको अभी मालूम चल जाएगा। सो गायत्री मंत्र जो है वो कैसा है? ओम भूर भू सह तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ओम क्या है? ओम जब भी आप बोलोगे तो ओम से सृष्टि का जन्म हुआ। ओम भूर भुवः स्वः, भूर जमीन धरती को बोलते हैं, भुवः जितने भी इस संसार में जो भौतिक चीजें हैं जिनको आप पा सकते हो, स्वः स्वर्ग लोक को भी बोलते हैं, स्वः अपने को भी बोलते हैं। ओम भूर भुवः स्वः तत्, तत् मैंने वह, तत् सवितुर, सवितुर होता है सूर्य, सूर्य की शक्ति जिसमें है। वरेण्यम जिसको वरण करने योग्य, जिसकी पूजा की जाती है। तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो, जो पापों से दूर खींचता है आपको। भर्गो देवस्य, जो देवता जैसा है, देवताओं की शक्ति इसके भीतर है, डिवाइन। भर्गो देवस्य धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं, उस शक्ति का जो सूर्य जैसी शक्ति है उसका हम ध्यान करते हैं। और ध्यान क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? धियो यो न प्रचोदया, कि हमारे ऊपर हमको ऐसी प्रज्ञा दे, बुद्धि दे, अपनी बुद्धि से हमको प्रकाशित कर, हमारे भीतर भी वो प्रज्ञा दे, समझ दे, ज्ञान दे हमें, है ना। तो ये मंत्र को बहुत ताकतवर मंत्र बोलते हैं।
जब आप इसको जोर से पढ़ते हो तो आपके भीतर जो है उस तरह की एनर्जी पैदा होती है। तो इसको कितने तरह से गाया गया है, अलग अलग तरीके से लोगों ने बोला है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह अगर हम रोज सुबह इसका 5 से 6 बार भी अगर हम पाठ करते हैं जब सूर्योदय होता है तो अपने आप ही हमको शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। माइंड फिट चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद और दिल से आभार। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।